जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आग लगता है तो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत होता है ना जी। तो फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार का होता है और उसका पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किस प्रकार के आग पे यूज किया जाता है। जैसे कि आप सभी लोग देखे इधर देखे, आग भी बहुत प्रकार का होता है। जैसे कि सॉलिड मटेरियल में आग लग जाए, सॉलिड मटेरियल में जैसे वुड पेपर प्लास्टिक फर्नीचर और क्लॉथ टेक्सटाइल्स में आग लगता है, इलेक्ट्रिक में आग लगता है, इलेक्ट्रिक में आग लगता है, गैस में आग लगता है मुझे, मेटल्स में आग लगता है, मेटल्स में आग लगता है और किसमें आग लगता है बताइए तो, मेटल्स में लगता है, गैस में हो गया ठीक है, आयल्स आयल्स में लगता है, डीजल पेट्रोल वगैरह में लगता है। तो आग डिफरेंट टाइप थिंग्स में लगता है, यानी बहुत सारे प्रकार के वस्तु में लगता है। ठीक उसी प्रकार फायर एक्सटिंग्विशर भी अलग अलग होता है जिसका यूज उस क्लास के आग में किया जाता है बुझाने के लिए। तो सबसे पहले देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसका कलर कोड कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कलर कोड ब्लैक होता है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देखिए ये फायर एक्सटिंग्विशर है और इसका कलर कैसा है, ब्लैक का पट्टी है ना। ठीक उसी प्रकार हाँ जीसीपी जिसको बोलते हैं ड्राई केमिकल पाउडर या ईबीसी, ये भी एक ड्राई केमिकल पाउडर ही होता है जिसका कलर कोड कैसा होता है, और उसके बाद है आपका वाटर, वाटर यानी पानी। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड रेड होता है, ठीक है याद रखने वाला बात है। फोम, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। वेट केमिकल यानी ग्रेफाइट पाउडर जिसका कलर कोड कैसा होता है, हाइलोन जिसका कलर कोड ग्रीन होता है। ठीक इस प्रकार से आपको आइडेंटिटी हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किस प्रकार के आग पे किया जाता है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपका ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार का होता है और इसका कलर कोड क्या होता है। थैंक यू डेट्स ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन। थैंक यू डेट्स ऑल।